ऑल राइट गाइज, वेलकम है आपका मेरे फोटोशॉप ट्यूटोरियल में। सो ये ट्यूटोरियल दो पार्ट में कंसिस्ट था। फर्स्ट वन पिक्सआर्ट के लिए था और सेकंड वन ये आपके सेम फोटोशॉप के लिए है। तो जो भी आपको ट्यूटोरियल दोनों में से प्रेफर्ड लगे आप वो वॉच कर सकते हैं, मैं दोनों ही क्रिएट कर दूंगा। सो अभी फोटोशॉप का पूरा ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन पिक्सआर्ट के लिए भी नहीं है इतना, मतलब जिस उसमें क्रिएट रहता है कि हाँ ये आप कैसे बना सकते हैं इजिली। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अब अपनी फ़ोटो के साथ। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। इसकी PNGs भी मैं दे दूंगा, तो ईजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ब्रेक डाउन से ही समझ जाएंगे यार, इतना भी नहीं होता कि बहुत सारे एडिटर ब्रेक डाउन भी नहीं डालते हैं अपना जल्दी से, तो आप वो ब्रेक डाउन से भी नहीं समझ पाएंगे। सो मैंने ये तरीका सोचा है, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन अगर भगवान की मर्ज़ी हुई तो यार मेरे को ज़रूर मिल जाएगा भाई। हाँ, सेटअप बन जाएगा तो मैं तब ज़रूर डालूँगा। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। सो ये तो कलर एडिट है और मैं इसके लिए निक कलेक्शन यूज़ करता हूँ, ये वाली, ठीक है? तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, बेटर है। और ये मैं दिखाऊंगा पिक्सआर्ट में भी ऐसे ही कैसे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ सिंपल सिंपल सारी PNGs पहले से क्रिएटेड है मेरे पे। तो ये फायर की थी, ठीक है? तो ये आपको फायर की भी मैं PNG दे दूंगा, जो आप पे इजीली से वर्क हो जाएगी और आप इसे अच्छे से वो भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जस्ट डालना है आपने, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्रोज़ है, ठीक है? क्रोज़ के विंग्स फैदर भी हैं, तो ये तो दो PNGs हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हो गया है। अब आई का है, तो सब में से आई का पूछते हैं। तो यार ये मैंने खुद क्रिएट कर रखा है, मैंने किसी उससे नहीं ले रखा है, PNG नहीं है ये, एसबीएन आर्ट है, तो उससे इंस्पायर्ड है ये वाला कलर वाला। तो वो करता था भाई, वो ब्लेड में करता था, आईज़ में शायद ही देखा था मैंने किसी के, तो मैंने ये आईज़ पे ट्राई कराया, ठीक है? तो ये आईज़ वाला भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप भी अपनी फ़ोटो में डाल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये चेन्स हैं जो सेल्फ क्रिएटेड है, मैंने खुद बनाई है आराम से, और ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट में भी यूज़ कर रखी हैं चेन्स, और जब मैंने यूज़ करी थी तो विजय महार ने भी शेयर करी थी ये। सो अच्छी हैं चेन्स, देख सकते हैं, ठीक है? तो चेन्स भी डायरेक्ट PNG है, और ये क्रॉस का साइन भी मैंने ग्लो का खुद ही बना रखा है, और इसके भी मैं PNG आपको शेयर कर दूंगा। रिंग भी PNG है, कोई यहाँ तक अभी तक PNG ही यूज़ हुई है, कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ें यूज़ हुई नहीं है फ़ोटो में। तो आप देख सकते हैं कहाँ तक मैं PNGs को भी लेके जाता हूँ और अच्छे से यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ एक थोड़ा सा ग्लो था बस, ब्रश से वाइट कलर से मैंने पेंट कर रखा है, सिंपल सिंपल, ठीक है? उसके बाद यहाँ मैंने बलून डाला है, बलून की भी मैं PNG दे दूंगा आपको। ये सब मैंने डायरेक्ट PNG टाइप यूज़ कर रखा है। उसके बाद मैंने अपने आप को डाला जस्ट, ठीक है? तो ये तो मेरी ही है PNG, मैंने अच्छे से अपने आप को कटआउट कर रखा है, और कोई इसमें है नहीं, ठीक है? अब विंग्स का है, तो विंग्स भी मैंने नेट से निकाले थे, तो विंग्स भी आप ले सकते हो, और बैकग्राउंड भी। तो जैसे आप देख सकते हैं यार, बैकग्राउंड भी मैंने खुद क्रिएट करा था, मैंने कहीं से लिया नहीं है। लेने का इन सेंस मतलब, ये तो पीछे का तो मैंने नेट से यूज़ करा है, और ये रिवर भी यूज़ कर रही है, और ये स्टोन कहीं और के थे तो स्टोन भी यूज़ कर रखे हैं। तो इतना मैंने डीप में बना रखा है, तो मैं इन सब का शेयर कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके एक न्यू फोल्डर, और सोल कंसेप्ट था, तो इसकी सारी चीज़ें इसी में रहेंगी। तो BG बैकग्राउंड की PNG, ठीक है? और विंग्स की, कहीं आपको लगे कि ये PNGs नहीं हो, तो सारी PNG मैं शेयर करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, और ये मेरी PNG है, नीडेड हो तो यार कर लेना, लेकिन मुझे चाहिए होगी पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल में आया यार आपको बताने के लिए। और ये ब्लून है, और यहाँ ये थोड़ा सा ग्लो है, अगर आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं ग्लो, ठीक है?
और ये रिंग है, यहाँ पे है ये रिंग। तो आप इसे जैसे भी चाहें अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यूज़ करने में। और ये क्रॉस का साइन था, और ये चेन्स हैं जो मैंने लेग्स पे यूज़ कर रखी हैं। आईज़ का वो रेड पार्ट, क्रो, फायर, ठीक है, फायर में पार्ट हैं थोड़े से, तो ये एक अलग है फायर, ये जो ब्लैक पार्ट पे हो रखी है, ठीक है। इसे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ टाइप मैंने यहाँ से फायर हटा रखी है, तो इसे अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपके लिए फायर, ठीक है, और फिर इसके बाद ये स्कल, ठीक है। जो वहाँ पे खोपड़ी रखी हुई है, और जस्ट अगर मैं डिकोड करता जाऊँ हर चीज़ को, फायर डाली मैंने, फिर ये सब, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे काम हो रखा है, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हर चीज़ में मैंने डीपली कैसे वर्क कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड यहाँ पे पूरा अच्छे से उसे बताता हूँ मैं आपको, पहले ये चीज़ें बंद कर देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ मैंने एक ऐसा ये बैकग्राउंड ले रखा है, मैंने नेट से उठाया था, तो इसे मैंने ब्लर कर दिया है थोड़ा सा ओपेसिटी से। और फिर मैंने एक स्टोन उठाया है जो कुछ ऐसा दिखता है, कहीं पहाड़ से मैंने कटआउट कर रखा है, तो उसको मैंने मास्क कर दिया था इजीली। और फिर उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन से मैंने सेचुरेशन डाउन करके उसके सेचुरेशन को डाउन ले आया बस, और फिर कर्व्स में जाके डाउन, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिम पेंट कर रखा है, ब्रश लेके, वाइट ब्रश लेंगे आप, और ऐसे रिम पेंटिंग होती है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा ब्लैक पेंट कर रखा था क्योंकि मुझे यहाँ क्रो बैठाना था और यहाँ मुझे बिठाना था, तो मैंने ब्लैक कर रखा था, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा और कर दिया क्योंकि यहाँ शेडो बनेगी मेरी, ठीक है, और कुछ नहीं कर रखा यहाँ पे, जस्ट ये कंप्लीट हो गया है आपका बीजी। अब उसके बाद ऐड करते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ जब मैं ऐड हुआ था तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितने डिटेलिंग में शेडो में वर्क कर रखा है, यहाँ थोड़ा हेयर्स के ऊपर कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड स्लाइड स्लाइड, वो इंस्टाग्राम पे इतना नोटिसेबल नहीं है लेकिन तब भी मैंने मेहनत कर रखी है वहाँ पे। और ये मैंने अपने शरीर की लाइट बना रखी है, एंड इधर से मैंने अपने आप को हाइड कर रखा है क्योंकि कर्व डाउन करके मैं एक साइड से ग्लो हो सकता हूँ, ये कर्व है नीचे, ठीक है। और ये उसके बाद मैं, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो मैंने डाल रखा है कि मैं विंग्स यूज़ करूँगा तो वो विंग्स में से लाइट थोड़ी फैदर होके आ रही हो तो वो अच्छी लगेगी, ये देख सकते हैं आप, विंग्स में से वो लाइट फैदर होके आ रही है तो कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने जब विंग्स ऐड करे थे तो विंग्स में भी मैंने थोड़े से पेंटिंग कर रखी है, लाइट पेंट, यहाँ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड पेंटिंग करी है इस बार। और ये थोड़े डिटेल्स आ रहे थे अंदर के, तो ये मैंने कर्व से हाइड कर रखे हैं, देख सकते हैं आप, कर्व नीचे ला के कर रखा है मैंने, और ये सिंपल थी। उसके बाद बलून, बलून पे भी मैंने वर्क कर रखा है, बलून में भी मैं पहले कर्व डाउन कर दिए थे, ठीक है, उसके बाद मैंने रिम पेंट कर रखा है। और यहाँ पे ये ग्लो पेंट कर रखा है मैंने, फिर रिंग डाल रखा है, रिंग का ग्लो तो यार मैंने बहुत बार बताया है, 10% गॉसियन ब्लर, 30% गॉसियन ब्लर, और आपका रिंग ग्लो हो जाएगा, पहले के ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। और क्रॉस में भी सेम है,
1030, ठीक है, तो सेम ही है, कोई अलग नहीं है क्रॉस में भी। उसके बाद चेन्स हैं, तो चेन्स डाली मैंने, ठीक है, और फिर उसके ऊपर उनका ग्लो पेंट करा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने ग्लो पेंट कर रखा है। और यहाँ थोड़े कर्व्स ऐसी थी चेन्स, तो मैंने कर्व डाउन कर दिया था बिल्कुल नीचे और बाद में उसे ग्लो करा है, ठीक है। आई का फंडा कैसे है, ये आईज क्रिएट करने के लिए आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर मैं आपको समझाऊं इन शॉर्ट वर्ड्स, तो यहाँ से आप एक न्यू लेयर लें, अराउंड 6 से 7, तो ऐसे टाइप से आपको कुछ ड्रॉ करना है। ये थोड़ा पतला ब्रश है शायद, हाँ, कुछ इस टाइप का। और फिर जब आपका हो जाए तो बीच बीच में से उसे इरेज कर दें, और फिर कभी इरेज करें कभी क्रिएट करें, तो कुछ आपको ये अनटेक्सचर्ड लुक आ जाएगा बिल्कुल, जो एक रैंडमाइज टेक्सचर लुक होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने अलग अलग लेयर पे कर रखा है, थोड़ा इधर उधर इधर उधर, और ये आई को मैंने बस पेंट कर रखा है वहाँ पे। उसके बाद क्रोज डाल रखे मैंने, क्रो बहुत ही इजीली होते हैं, सो यहाँ क्रो जब डले हैं तो सिंपल है, उनके जो फैदर होते हैं वो मैंने यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ अगर मैं रिमूव करके दिखाऊँ आपको, तो ये फैदर है, जस्ट उनमें मैंने मोशन ब्लर डाल दिया और कुछ नहीं, और वो अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ मैंने एक रेवन ऐड कर रखा है, क्रो बोलो या रेवन जो भी है, और उसके ऊपर रिम पेंट कर रखा है मैंने फिर से, और थोड़ा कर्व्स भी डाउन करे हैं कि मैच हुए बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ तक तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था इमेज से, लेकिन मेरे को चाहिए थे डुअल टोन वाली फ़ोटो जिसमें दो टोन्स आए आए, यहाँ पे बस ब्लू ब्लू होती है अभी टोन, लेकिन फायर की वजह से यहाँ एक और टोन ऐड हो गई है और ये अलग ही कलर ये ऐड कर रही है मेरे फ़ोटो में। तो ये एक ग्लो था और ये अंदर की फायर, और ये थोड़ा रिम पेंट है यहाँ शर्ट पे, और ये थोड़ा स्कल को मैच करने के लिए, और स्कल की पेंट है, और स्कल की ही पेंट है ये भी, ठीक है। तो स्कल की रिम लाइट थी है। जस्ट आपको आइडिया तो गॉट हो गया होगा कि कैसे करना होता है ये। अब ये आप देख सकते हैं कलर ग्रेड के बाद कितनी अच्छी हो गई है। सो थैंक यू गाइज इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए, और स्टे ट्यून्ड, थोड़े ही दिनों में, मतलब 10 या 12 दिनों में मैं पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स पोस्ट करूँगा, जैसे जैसे मैं बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।